नमस्कार दोस्तों, ओपन एक्स की बड़ी अपडेट आ चुकी है। हम लोग इंतजार कर रहे थे भाई कोई अपडेट आए कि कब ये लॉन्च हो या लॉन्च की कोई अपडेट आए, कहां कहां ये लिस्ट होगा, तो वो अपडेट अभी हमारे सामने आ चुकी है। अब सबसे पहले तो आप थोड़ी सी टेंशन ले रहे होंगे जब आप अपने ओपन एक्स की एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन जगह OEX के पॉइंट थे, ठीक है। एक था यहाँ पे जो सबसे ऊपर था OEX पॉइंट स्टोसी ऐप, ठीक है, वो यहाँ पे गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके साथ ही है भाई, ये सबके साथ हो चुका है। और जो चीज़ सबके साथ हो रही है तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली जब हब पे जाते हैं और यहाँ पे OEX पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। आपके जो OEX के स्टोसी के पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सबके साथ हो रहा है। अब चलिए सीधा हम लोग क्या करते हैं, अपडेट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक एक्सचेंज का, कोइनएक्स एक्सचेंज, जो मैं पिछली वीडियोज में भी आपको बता रहा हूँ, ये हमारा पार्टनर है, इसकी मैं आपको एक इवेंट बता देता हूँ। काफ़ी प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी क्या है, बहुत सारी एक्सचेंज है, कोई नई आएगी और वो मार्केट में जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऑफर करेगी। तो यहाँ पे इनका क्या चल रहा है कि इनका $6,500 का एक प्राइज पूल चल रहा है। इसमें आप लोग बिल्कुल आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये सभी नए यूजर्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन में कोइनएक्स का लिंक दिया है, पिछली वीडियो में भी किसी ने रजिस्टर किया होगा वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप $100 या उससे ज़्यादा USDT से आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स में अपनी एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं और वो ट्रेड आपकी 5 दिन तक रहेगी, ठीक है। तो आप इस प्राइस पूल में आपकी एंट्री हो जाएगी। दूसरा $6,000 का है। अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर $500 या उससे ज़्यादा की कोई फ्यूचर्स में पोजिशन लेंगे और आप 5 दिन तक उसको होल्ड करेंगे तो आपको 20 USDT का कैशबैक मिलेगा। और ये सिर्फ 300 यूजर्स के लिए है, ठीक है, जो शुरू के 300 यूजर्स रहेंगे, 300 उनके लिए रहेगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप ये बेनिफिट यहां से ले सकते हैं, ये प्रॉफिट यहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये कोइनएक्स एक्सचेंज है, एक बहुत बढ़िया एक्सचेंज है, स्पॉट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, P2P भी यहाँ से सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें अकाउंट बना के ट्रेड वगैरह करके प्रॉफिट ले सकते हैं जो नई एक्सचेंज हमारे को दे रही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ओपनएक्स की जो अभी अपडेट आई है उसकी तरफ। कब लिस्ट होगा, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कितनी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा वो भी आपको मिलने वाले हैं, डिटेल में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब आप सीधा इस पोस्ट पर आएंगे, देखेंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि गुड मॉर्निंग OEX कम्युनिटी, बेस्ड ऑन द करंट कम्युनिटी वोटिंग रिजल्ट, जो इन्होंने अभी वोटिंग रिजल्ट अभी अनाउंस किया था कि भाई वोट करिए, जो मैंने टेलीग्राम पे आपको ऑलरेडी वहाँ पे आपको अपडेट दे दी थी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद कमेंट्स में आप लोग एक दूसरे के साथ प्लान वगैरह भी शेयर कर सकते हैं और सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगी। ओपनएक्स की जो छोटी मोटी अपडेट आ रही है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मेरा ध्यान सिर्फ ओपनएक्स की तरफ है, और भी माइनिंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी अपडेट नहीं आई है, जैसे ही अपडेट आएगी तो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम ओपनएक्स का ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इन्होंने जो वोटिंग रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं हमारे, तो इन्होंने क्या किया है, अब ओपनएक्स हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग लॉन्च प्लान टू एनहांस कम्युनिटी गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो कम्युनिटी के बेस पे इन्होंने बोला था भाई वोटिंग रहेगी, जैसी वोटिंग कम्युनिटी करेगी उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। अब ये मीडियम की पोस्ट है, ठीक है, इस मीडियम की पोस्ट में इन्होंने इसकी सारी जानकारी दी हुई है। अभी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि भाई हम लोग वी विल बी लॉन्चिंग ए सुपर फेयर लॉन्च इवेंट ऑन कोर चैन, ठीक है। कोर चैन पे ये अपनी फेयर लॉन्च करने जा रहे हैं, कब, तो इवेंट का जो टाइम है वो 1 जुलाई का है। अब आप सोचेंगे कि भाई 1 जुलाई को ही हमारा टोकन लॉन्च हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, हमारे जो एयरड्रॉप में हमने अर्न किए हैं वो हमारे क्लेम हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1 जुलाई से चलेगा और 15 जुलाई तक ये रहेगा, रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा UTC टाइम के हिसाब से, और इवेंट जो एंड टाइम रहेगा वो 15 जुलाई रहेगा। ये फेयर लॉन्च है। अब इसमें क्या रहेगा फेयर लॉन्च में, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। स्पोर्टेड टोकन कोर USDT बोर्ड द पार्टिसिपेंट लिमिट पर एड्रेस आर, लिमिट क्या है, 5000 कोर, 5000 USDT या 5 बिलियन बोर्ड। चलिए आपको सबसे पहले ये कर देता हूँ कि ये फेयर लॉन्च क्या है,
और कैसे हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हब पे आएंगे जो हमारी ओपनएक्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। नया वर्जन अपडेट ऑलरेडी उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दिया था कि भाई अपडेट आप लोग कर लीजिए। अब यहाँ पे जो लॉन्च का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, ओएक्स फेयर लॉन्च को क्रिएटिंग द फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूट कोर और कंट्रीब्यूट यूएसडीटी। अभी यहाँ पे बोट भी हमारे को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1 जुलाई से पहले। तो क्या रहेगा कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से आप लोग यहाँ पे उनको जैसे ही कंट्रीब्यूट करेंगे, मान लीजिए आप 500 कोर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में आपको मिलेंगे ओएक्स के टोकन, ठीक है, या यूएसडीटी कंट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर आप लोग जो बोट के टोकन है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देंगे। बोट का भी ऑप्शन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, तो चलिए आगे की बात जानते हैं। यही फेयर लॉन्च है, ये फेयर लॉन्च है जिसमें ये बटन एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी ये बटन एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कोर कंट्रीब्यूट करना चाहूँ तो नोट स्टार्टेड दिखा देगा, लेकिन ये 1 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जो टोटल सप्लाई है ओएक्स टोकन की, जो आप सभी को पता है जो सप्लाई है, तो उसमें से 0.2% इन्होंने रखे हैं फेयर लॉन्च के लिए, ठीक है। जो कोर से जो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए इन्होंने 15 करोड़ रखे हैं, इनके 0.15%, और जो यूएसडीटी से पार्टिसिपेट करेंगे या बोल लीजिए कंट्रीब्यूट करेंगे, सहयोग करेंगे ओएक्स का, तो उनके लिए 0.03% रखे हुए हैं, यहाँ पे 3 करोड़ हो गए। और जो बोट से पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए 0.02% रखे हुए हैं, यानी कि 2 करोड़ रखे हुए हैं। अब क्या रहेगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमने 100 USDT से पार्टिसिपेट कर लिया, यानी कि कंट्रीब्यूट कर दिए, तो जितने हमारे में हिस्से में आएंगे उतने OEX के टोकन हमारे को ये दे देंगे, ठीक है। ये सभी के लिए है, चाहे किसी ने माइन किए हैं या नहीं किए हैं, या किसी ने 1000, 2000 या 100, 500 OEX के टोकन ही सिर्फ माइन किए हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टोकन ले सकते हैं और बेनिफिट यहां से ले सकते हैं। अब लॉन्च की भी बात यहां पे आने वाली है। अब क्या रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट मेथड, अब यहां पे आप लोग इनकी पोस्ट खोलेंगे और यहां पे देखेंगे भाई 50% ऑफ द ओएक्स विल बी क्लेम्ड एट टीजी, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट, जो हमारे लिए भी रहेगी और जो फेयर लॉन्च में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी रहेगी। आप भी कर सकते हैं फेयर लॉन्च में पार्टिसिपेट, ठीक है। आपके पास अगर कुछ यूएसडीटी हैं या कोर हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या बोट आप लोग बाय कर सकते हैं, तो आप लोग यहां पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 50% ओएक्स विल बी क्लेम्ड, यानी के आप सोच रहे होंगे जितने हमने माइन किए हैं, पहले तो बोल रहे थे भाई 20% मिलेंगे, लेकिन अभी बोल रहे हैं 50%, और दूसरा बोल रहे हैं कि 6 महीने में अनलॉक हो जाएंगे। तो भाई जो फेयर लॉन्च में पार्टिसिपेट करेंगे, मान लीजिए फेयर लॉन्च में किसी ने पार्टिसिपेट किया और उसको मिल रहे हैं 1000 OEX टोकन, तो उसके 50% क्लेम हो जाएंगे जब टोकन जनरेशन इवेंट रहेगी। ये हम माइनर्स के लिए नहीं है, जिन्होंने माइनिंग की है उनका वही है सेम 20% मिलेंगे, और फिर वो 4 या 5 साल शायद इतना है वो हमारे को मिलते रहेंगे, ठीक है। 3-3 महीने में या 4-4 महीने में हम लोग क्लेम करते रहेंगे, जैसे अभी कोर 1 महीने में क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 50% है ये उनके लिए क्लेम होंगे जिन्होंने, जो लोग अभी इनकी फेयर लॉन्च में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से बात आपने एक ये समझी कि 15 जो जुलाई रहेगी उस तक तो फेयर लॉन्च चलेगी, यानी कि 15 जुलाई तक ओएक्स लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि लिस्टिंग प्लान, अब यहाँ पे हमारे काम की चीज़ है। अब लिस्टिंग प्लान इन्होंने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी फीडबैक, जैसे ही ये जो फेयर लॉन्च एंड हो जाएगी, यानी कि 15 जुलाई हो जाएगी, जितना जल्दी संभव हो सकेगा हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, यानी कि हो सकता है जुलाई के एंड तक, यानी कि अगले महीने के एंड तक ये हमारे को लिस्ट हो जाए, हम क्लेम भी कर पाएं और बाय सेल जो भी करना है हम लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी लिस्टिंग ऑन सेक्स एंड सप्लीमेंट डेक्स लिक्विडिटी वंस द प्राइस स्टेबलाइज, द इनिशियल लिस्टिंग इज एक्सपेक्टेड ऑन 3 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यानी के हम लोग सोच रहे थे भाई पता नहीं कितने एक्सचेंज पे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जो शुरू में ये लॉन्च होगा तो ये उम्मीद है कि 3 एक्सचेंज पे हमारा जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, मान लीजिए जैसे मैक्सी ग्लोबल हो गया, ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि मैक्सी ग्लोबल पे तो ये लिस्ट होगा ही होगा शुरुआत में, और भी भाई बायबिट हो गया या फिर कोइनएक्स ही हो गया या फिर बिंगएक्स हो गया, तो इन पे ये 3 पे तो कम से कम शुरुआत में ही लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को क्या समझ आया, क्या अपडेट है, टोटल अपडेट ये है कि फेयर लॉन्च आ रही है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूएसडीटी से, कोर से या फिर बोट से, उसका आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा, जिसके 50% आप लोग जैसे ये ओवर हो जाएगा
ये इवेंट जो ओवर हो जाएगी उसके और टीजी आएगा टोकन जनरेशन इवेंट, तो 50% आप लोग क्लेम कर पाएंगे। फिर कहूँगा ये जो 50% क्लेम होंगे ये एयर ड्रॉप वाले क्लेम नहीं होंगे, ये फेयर लॉन्च वाले क्लेम होंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा 15 जुलाई तक ये इवेंट चलेगी, यानी कि 15 जुलाई तक OEX नहीं लॉन्च होगा, उसके बाद जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे कि लॉन्च हो जाए। तीसरा, तीन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने वाला है, जिनमें से एक तो मैक्सी ग्लोबल कन्फर्म है, जिनका अकाउंट नहीं है वो बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इंडिया में मैक्सी ग्लोबल काम नहीं कर रही है, मेरे पास ऑलरेडी है। दूसरा, बिंगएक्स में ये लिस्ट हो सकता है, इसके चांसेस लगभग 90% है स्टार्टिंग में ही, तो बिंगएक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कोइनएक्स का भी दिया हुआ है, दोनों में अकाउंट बना लीजिए, कोइनएक्स पे भी ये लिस्ट हो सकता है शुरुआत में ही, ठीक है। तो ये सारी अपडेट है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हुई हैं और आप लोग अभी इसका जो है ये जो इवेंट है अभी जो 1 जुलाई से चलेगी तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियरली मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल सारी चीज़ें बता दी हैं कि सबसे पहले तो 15 जुलाई तक नहीं लॉन्च होने वाला है और फिर लॉन्च होगा तो जुलाई के एंड तक हो सकता है, तीन एक्सचेंज पे ये लॉन्च हो जाएगा। और दूसरा, जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, जो आपके टोकन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हब पे जाके और यहाँ OEX पे जाएंगे, तो भाई ये सभी के लिए है, इनकी ही अपडेट है। हाँ, यहाँ पे टोटल आपने जितने एयर ड्रॉप अर्न किया है वो यहाँ पे दिखा देंगे, तो ये सबके साथ हो रहा है, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हमारे यहाँ से गायब हो गए, उड़ गए यहाँ से, अब क्या करें भाई, कहीं मेरे साथ ही तो नहीं है, लेकिन ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं है। तो दोस्तों ये अभी तक की अपडेट है, जैसे ही आगे अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगा। फिर एक बार बताना चाहूंगा, कोइनएक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे जानकारी मैंने दे दी है, ये इसका टोटल यहाँ पे जो भी प्राइस पूल चल रहा है इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में स्पोर्ट में भी करेंगे तो भी इनके अलग से इवेंट चल रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट होगी तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये 100% लॉन्च होगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि भाई OEX हमने 1-1.5 साल हो गया भाई हमने अर्न किया है लेकिन फिर भी ये लॉन्च नहीं हो रहा है, 100% ये लॉन्च होगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोर ने भी लिया था लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक की ये अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।